देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रितिका। जम्मू की बात करूँ तो आए दिन यहाँ पर पशु तस्करी के मामले काफी ज्यादा उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में सरकार ने इनके खिलाफ शिकंजा जो है वो काफी तेजी से कसा है। इनके खिलाफ लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं और आते जाते हर एक ट्रक की चेकिंग की जाती है जिसमें ये पशु तस्करी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मामला सामने आया है जिसमें पशु तस्करी के साथ साथ दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक अपने पास फर्जी आदेश पत्र रखा हुआ था जिस पर डीसी जम्मू यानी अंशुल गर्ग के साइन तक झूठे हस्ताक्षर तक किए थे। जब जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से बनटोल प्लाजा ये लोग पहुंचे हैं उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर चेकिंग की और चेकिंग में देखा गया कि इन्होंने चार मवेशी जो है अपने गाड़ी में रखे हुए हैं, जिसके बाद चेकिंग वहां पर कर दी गई सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से। और इन्होंने ये भी बात रखी सामने कि हमारे पास डीसी जम्मू यानी अंशुल गर्ग का एक आदेश पत्र है। तो जब ये बात सामने आई तो पुलिस की ओर से वो चेकिंग की गई और वो फर्जी निकला, जिसके बाद उन दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग से बनटोल प्लाजा से खबर आ रही है। और आए दिन इसी तरह से नेशनल हाईवे में ट्रक को जब्त किया जाता है, टेम्पोज को जब्त किया जाता है जिसमें अवैध तरीके से पशु तस्करी की जाती है। इस चीज को लेकर लगातार सरकार ने शिकंजा भी कसा है। हाल ही में जो दो व्यक्तियों को आरोपितों को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। एक तो धोखाधड़ी से झूठे दस्तावेज बनाना और दूसरा पशु तस्करी करना जो कि इलीगल है इंडिया में। तो इस चीज को देखते हुए पुलिस ने एक चेकिंग की और उसमें इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग के बनटोल प्लाजा से खबर आ रही है और जो जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी है कि जम्मू में पशु तस्करी के मामले लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक ताज़ा मामले में जो पशु तस्करों के हौसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब वह एक जगह से दूसरी जगह मवेशी ले जाने के लिए जम्मू के जो जिला आयुक्त तो है उनका फर्जी ऑर्डर बनाकर पशु तस्करी करने लगे हैं। और नगरोटा पुलिस ने ऐसे दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है जिनके पास इस तरह का आदेश पत्र भी मिला और उनको बकायदा डीसी अंशुल गर्ग का हस्ताक्षर भी उस पत्र पे देखने को मिला। वहीं पकड़े गए आरोपितों से सिद्रा निवासी जो मुश्ताक चौहान एक नाम बताया जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम जो है वो मंजूर अहमद बताया जा रहा है जो कि नरवाल का रहने वाला है। यानी कि जो दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है वो जम्मू के एक सिद्रा में रहने वाला और एक नरवाल में रहने वाला है। और जो वाहन को जो चार मवेशियों को लेकर जाते हुए वाहन को जब्त किया गया है उसका नंबर भी इशू किया गया है जिसमें JK02AX6629 को रोका एक रूटीन चेकिंग में और संदेह होने पर जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए उस की वाहन की चेकिंग की तो उसमें चार मवेशी जो है वो लादे गए थे। और उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया उन चार मवेशियों को उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया है। तो ये खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय मार्ग यानी बनटोल प्लाजा से आ रही है जहाँ पे नगरोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, आखिरकार कौन इसके पीछे इसका मास्टर है और कितने लोगों का गिरोह ये है। इस चीज को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो नगरोटा पुलिस की ओर से की जा रही है। और आए दिन जम्मू कश्मीर की पुलिस इस चीज को लेकर सतर्क है और आए दिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इनके खिलाफ शिकंजा अपना कसे हुए है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं और आए दिन रूटीन चेकिंग में ऐसे मामले जम्मू से जरूर सामने आते हैं जहाँ जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर ऐसे ट्रक्स को वाहनों को जो है वो जब्त किया जाता है। तो आप लोगों की अपडेट कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।